इसके बारे में बताने से पहले मुझे दो लाइनें याद आ रही हैं। कहते हैं ना कि मंजिलों तक पहुंचना आसान है अगर आपके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ जो मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, ये ना बोल सकती हैं ना सुन सकती हैं, लेकिन इन्होंने अपने टैलेंट के बलबूते नेशनल लेवल का अवार्ड जीता है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने मिस डेफ इंडिया का खिताब हाल ही में जीता है और अब ये हमारे प्रदेश को ही नहीं बल्कि पूरे देश को इंटरनेशनल कंपटीशन में भी रिप्रेजेंट करने वाली है। चलिए दोस्तों, अब आपको और इंतजार नहीं कराएंगे, मिलाएंगे हमारी आज की खास मेहमान देशना जैन से। और दोस्तों साथ ही में इन्हीं की साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर भी हमारे साथ मौजूद है, जिनका नाम है मोनिका पंजाबी वर्मा। मोनिका जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे प्रोग्राम की। देशना जी, आपने किस तरह से इस फील्ड में आने की शुरुआत करी? मैं पहले भोपाल के स्कूल में पढ़ती थी, वहां पर कभी मैंने सोचा नहीं था कि इस फील्ड में, मॉडलिंग में, फैशन शोज में कभी मैं जा पाऊंगी। मैं पढ़ाई में और डांस में रुचि रखती थी और डांस मुझे बहुत पसंद था, जिसको लेकर मैं आगे बढ़ी। ट्वेल्थ पास करने के बाद में कॉलेज ढूंढते हुए मैं इंदौर मुख बधिर संगठन में आई, यहाँ पर कॉलेज ज्वाइन किया। फिर मैंने पता किया और पता चला मुझे कि मुझसे पहले बहुत सारी डेफ लड़कियां, मुख बधिर लड़कियां जो हैं, वो कॉम्पिटिशन्स में, फैशन शोज में, मॉडलिंग के कॉम्पिटिशन्स में पार्ट ले चुकी हैं। और मुझे हमेशा लगता था कि ये सिर्फ सुनने बोलने वाले लोग, हियरिंग लोगों की कम्युनिटी में ही ये कॉम्पिटिशन होते हैं और डेफ लोगों में नहीं होते। पर मुझे पता चला कि बहुत सारे स्टेट और नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल पर भी बधिर लड़कियां रिप्रेजेंट इंडिया को कर चुकी है। पर मुझे कोई इंटरेस्ट खास उस समय नहीं था, पर मेरी सहेलियों ने मुझे बताया कि नहीं, तुम बहुत सुंदर हो, मॉडलिंग के लिए बिल्कुल तुम्हारा फिगर परफेक्ट है। मोनिका मैम ने भी मुझे बोला कि नहीं, तुम जरूर, उषा मैडम जो हमारी प्रिंसिपल हैं, उन्होंने भी हमें मुझे प्रेरित किया और उन्होंने कहा कि तुम जरूर अगर इच्छा रखती हो तो आगे बढ़ो। तो उन सबके मोटिवेशन के बाद में मैं सामान्य बच्चों के साथ में, सामान्य सुनने बोलने वाली लड़कियों के साथ में मैंने मिस अंतरिक्ष में नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया। पर वो मेरे लिए सरल नहीं था। वहां पे बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां थी जो हियरिंग है, जो सुनती बोलती हैं। उन कंपटीशन में मैंने जब 10 दिन का ट्रेनिंग भी उनके साथ में, 10 डेज का ट्रेनिंग भी उन्हीं के साथ में मैंने लिया, जिसमें ग्रूमिंग करवाया। फिर मुझे तभी भी महसूस नहीं हुआ था कि मैं प्राइज जीत सकती हूं, पर मैं रोने लग गई। मैं मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब मुझे पता चला कि मैं एक सेकेंड विनर हूं। और ऑडियंस ने और जजेस ने जब उनकी ऐसी नजरों से देखा कि नहीं, मैं एक काबिल लड़की हूं जो सामान्य सुनने बोलने वाली लड़की के साथ में ऐसे किसी कंपटीशन को जीत सकती हूं, तो मुझे वो बहुत बड़ा मोटिवेशन मिला। उसके बाद में मिस एमपी में मैं सेकंड रही। मिस एमपी जीतने के बाद में जयपुर में ऑल इंडिया डेफ आर्ट एंड कल्चरल सोसाइटी के तहत कॉम्पिटिशन जो हुआ, नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन मिस डेफ इंडिया का, वो मैंने जीता और उसके बाद मैं बस आगे चल पड़ी। मतलब यहाँ से इनकी जो जर्नी है वो शुरू हो चुकी है। साथ ही में हम ये जानना चाहेंगे कि इनको फैमिली सपोर्ट कैसा मिला? बिल्कुल बिल्कुल, फैमिली सपोर्ट हमेशा रहा है। फैमिली ने हमेशा मेरे इस खिताब के बाद में, इस जीत के बाद में सभी को ये खबर पहुंचाई। बहुत सारे हमारे रिलेटिव्स आए, बहुत सारे दूर से पहचान के लोग हमारे आए और सब ने कुछ गिफ्ट्स लाए मेरे लिए, सब बहुत खुश हुए। और इंटरनेशनल लेवल पे जाने के लिए बहुत प्रेरित किया मेरी फैमिली ने, मेरे पेरेंट्स ने। मेरा भाई जो है वो दिव्यांग है, वो मंदबुद्धि है, तो उनसे ज्यादा उम्मीद न रखते हुए पेरेंट्स मुझे बहुत आगे बढ़ाते हैं ताकि मैं परिवार को भी देखूं। और मैं पूरी मेहनत करी मैंने और इस खिताब को जीतने के लिए, और अब आगे भी तैयारी हमारी जोर शोर से चालू है, जिसमें मेरे पेरेंट्स ने मेरा सबसे ज्यादा साथ दिया है। क्या बात है। और अब ये इंटरनेशनल लेवल पे जाके हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसकी तैयारी किस तरह से कर रही है? जी जी बिल्कुल, आप मेरी प्लानिंग बिल्कुल चालू है। मैं सुबह समय पर जल्दी उठती हूँ, उसके बाद में डाइट को, खाने को बहुत ध्यान से ले रही हूँ कि क्या मुझे खाना चाहिए। अपने दोस्तों से मिल रही हूँ ताकि मैं नई खबरों के बारे में जानकारी रखूँ, जनरल नॉलेज अपना बढ़ाऊँ। हर किसी से मिलकर मैं बातचीत कर रही हूँ, करंट इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रही हूँ। खाली समय में अपने दोस्तों से मिलती हूँ और ताइवान जाने के लिए मैं बिल्कुल उत्साह से भरी हूँ और जीतना चाहती हूँ। बहुत सारी कंट्रीज से वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन आएंगे और डेफ कंटेस्टेंट जो है पूरे वर्ल्ड से वहां पर आएंगे और मैं भारत का
रिप्रेजेंटेशन जो कर रही हूँ, अपना झंडा जो वहां लहराऊंगी, उसके लिए मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। क्या बात है, बहुत खूब। देशना जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, साइन लैंग्वेज बहुत टफ होती है, इतना इजीली हम समझा नहीं पाते हैं, तो आपने शुरुआत से इसकी कितनी ट्रेनिंग ली, या फिर इजीली आपको मतलब डे टू डे लाइफ में आ गई है? ये एक विजुअल लैंग्वेज है जो हमने आंखों से सीखी होती है। ये मेरी मदर टंग है, ये मेरी मातृभाषा है, तो मेरे लिए तो सांकेतिक भाषा किसी और अन्य भाषा की तरह अडॉप्ट करने के लिए जिस तरीके से होता है, वैसे ही हम विजुअली साइन लैंग्वेज को बचपन से अडॉप्ट करते हैं। आप भी अगर डेफ होती है, या आपके आसपास कोई अगर डेफ है, जिस तरीके से आपके आसपास सुनने बोलने वाले बच्चे हैं और वो अपनी वर्बल लैंग्वेज को, हिंदी इंग्लिश को अडॉप्ट करते हैं, वैसे ही हम डेफ जो है वो साइन लैंग्वेज को अडॉप्ट करते हैं। बिल्कुल, साथ ही साथ जो ब्यूटी कॉम्पिटिशन होते हैं वो सिर्फ ब्यूटी के लिए ही नहीं होते, उसमें आपका ब्रेन भी होना अच्छा होता है, हार्ट भी अच्छा होता है, तो उसके लिए अपने आपको कैसे प्रिपेयर करती हैं? जी नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि उसमें आपका जनरल नॉलेज, आपका बिग जेनरस हार्ट, आपका अपेयरेंस, आप कैसे कैरी करते हैं अपने आप को, ये सब कुछ टोटली मैटर करता है। ये सिर्फ इकलौता ब्यूटी की बात नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। हर चीज के अपने नियम कायदे होते हैं, रूल्स होते हैं, वो भी आपको सीखने समझने होते हैं। ये सिर्फ इतना सरल नहीं है कि एक सिर्फ ब्यूटीफुल पर्सन कोई भी वहां जाकर अपने आप को, तो इसलिए मैं अपने आप पे पूरी वैसी मेहनत कर रही हूँ कि मैं और से ज्यादा और खूबसूरत और अच्छा प्रिपरेशन, अच्छा प्रेजेंटेशन कैसे दूं, उसकी प्रिपरेशन मेरी जारी है। बिल्कुल, साथ ही साथ नेशनल लेवल का कंपटीशन जीतना बहुत ज्यादा इजी नहीं होता है, कंपटीशन बहुत हाई होता है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां एक ही कंपटीशन में, तो कैसे ये अपने आप को उस कंपटीशन में हाई रखती हैं? हाँ, जयपुर में जो नेशनल इवेंट हमने हम जिसमें पार्टिसिपेट किए थे, बहुत सारी लड़कियां थी जो बहुत खूबसूरत थी, पर जो जजमेंट लिया गया था वो जनरल नॉलेज, क्वेश्चन आंसर राउंड और हर चीज को नजर रखते हुए लिया गया था, और जिसमें मैं विनर रही, तो मैं खुद सोच रही थी कि मैं इतनी टॉल नहीं हूँ या इतनी हाइटेड नहीं हूँ, पर दूसरी लड़कियां जो लंबी थी मुझसे, बहुत खूबसूरत भी थी, उनका नंबर ना लगते हुए मैं जीती हूँ, तो मुझमें कहीं ना कहीं उन लोगों ने खासियत देखी होगी। और अब मेरा उद्देश्य जो है वो ताइवान जाकर मिस डेफ इंटरनेशनल को जीतना है, और अगर आप लोग भी मुझे देख रहे हैं, आप लोग भी मेरी खूबियां जो है वो परख रहे होंगे, तो मैं उसकी तैयारी कर और बहुत पॉजिटिव हूँ। बिल्कुल, ये तो देखते ही बनता है कि हाँ, कितनी ज्यादा टैलेंटेड है देशना। साथ ही साथ हम देशना से ये भी जानना चाहेंगे कि वो किस तरह की प्रिपरेशन करी, क्योंकि फिटनेस बहुत ज्यादा मैटर करती है ब्यूटी कॉम्पिटिशन में, थोड़ा सा भी वेट ऊपर नीचे होता है तो बहुत प्रॉब्लम आती है, तो किस तरह से अपने आपको फिट रखती है, कैसी डाइट ये फॉलो करती है? सुबह फ्रूट्स मैं ले रही हूँ, मैं समय के बाद में प्रॉपर मील दाल चावल रोटी सब्जी खा रही हूँ, फिर जूसेस टाइमली ले रही हूँ, फिर वापस समय पर सो रही हूँ रात को खाना खाने के बाद, सुबह 6 बजे उठ के फ्रेश एयर ले रही हूँ, तो ये मेरा एक रूटीन है जो पहले से भी था, पर अभी मैं और ध्यान दे रही हूँ। और मैं जिम तो नहीं जा रही हूँ, पर जिम जाने में समय देना होता है और मेरे अपने दूसरे प्रायोरिटीज हैं, तो मैं अपने खाने पीने का और अपनी कसरत का खुद स्वयं ध्यान दे रही हूँ। बिल्कुल, जैसे कि इन्होंने जो नेशनल लेवल का जो कंपटीशन जीता है, मिस डेफ इंडिया का टाइटल इन्होंने जीता है, उसका एक्सपीरियंस हम जानना चाहेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस था और कैसा वो मोमेंट था इनके लिए। जी बिल्कुल, आपने वो याद दिलाया। दूसरे मेरे कुछ डेफ फ्रेंड्स थे, वो कह रहे थे कि नहीं तुम तो शायद हार जाओगी, तुम नहीं जीत सकती हो, तो मैं बहुत कंफ्यूज थी। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं तुम तो नहीं जीत सकती हो, तो मैं घबरा सी गई थी। अब मैं इतने सारे कपड़े, इतने सारा तैयारी करके मैं जयपुर तक गई थी मिस डेफ इंडिया में, पर वो एक मस्ती कर रहे थे मेरे फ्रेंड्स की, नहीं आप नहीं जीत सकते हो, पर हमेशा कॉन्फिडेंस आपको रखना होता है कि ऐसे कुछ भी कमेंट्स या मस्ती या कोई आपके साथ में मस्ती करे या किसी कारण से आपको लगता है कि आप नहीं जीत पा रही, पर वो नेगेटिविटी को आपको इफेक्ट नहीं होने देना चाहिए, आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, और अगर हार भी जाते हैं तो भी आगे जीत है जी। तो जी, अब तो मुझे इंटरनेशनल लेवल पे जाना है, वहां रिप्रेजेंट करना है इस नेशनल इवेंट को जीतने के बाद में, तो मैं बहुत उत्साहित हूँ, बहुत खुश हूँ। अभी बस 8 जुलाई को मुझे MMDI मिस एंड मिस्टर डेफ इंटरनेशनल कंपटीशन में रिप्रेजेंट करना है, और कोई भी मेरा रिजल्ट रहे पर मैं कोई ना कोई खिताब जरूर जीत के आना चाहती हूँ, फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, पर मैं जीतना चाहती हूँ इंडिया के लिए। अभी तक इतने बड़े सफर में
मिस अंतरिक्ष से लेके अभी तक इतनी सारी कॉम्पिटिशन फेस कर रहे हैं, तो अभी तक ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो कि फेस करना पड़ी और परेशानी आई? बिल्कुल बिल्कुल, चैलेंजेस तो रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या फाइनेंस की रही है, फंड रेजिंग की रही है। कपड़ों पर इतना खर्चा करना होता है क्योंकि हर जगह आपके कुछ कॉस्ट्यूम्स के रूल्स होते हैं, तो वो नए पोशाक खरीदना है, नए कॉस्ट्यूम्स खरीदना है, और फिर फंड रेज करना है आपके ट्रेवल के लिए। तो हमारी फैमिली में भी ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरी तरीके से सक्षम है कि इतने खर्चे बार बार उठा सकें, तो वो एक समस्या है। फिर मेरा भाई भी है फैमिली में जिसके ऊपर खर्चा करना होता है, तो फंड रेजिंग जो है मैंने देखा है जो सबसे ज्यादा चैलेंज रहा है मेरे लिए। हाँ, इंटरनेशनल ट्रेवल का भी खर्चा होता है, तो वो बहुत बड़ा खर्चा है, उसमें भी इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से हमें कॉस्ट्यूम्स तैयार करने होते हैं जी। और मैं बताना चाहूंगी कि जब मिस अंतरिक्ष मैंने जीता, तो जो दूसरे विनर्स थे उसमें, उन्हें एडवर्टाइजमेंट में आगे लिया गया, बहुत सारे उनको मौके मिले, पर मैं उस कॉम्पिटिशन में सेकेंड विनर थी, पर मुझे कोई एडवर्टाइजमेंट या कोई ऐसा मुकाम या कोई ऐसा ऑफर नहीं आया। बस सब लोगों ने ताली बजाई और ताली बजा के अप्रिशिएट करके बस हमें वापस घर भेज दिया। तो जब एक हियरिंग लड़की जो फर्स्ट आई थी और जो मैं सेकंड आई हूँ, मैं डेफ हूँ, पर ऑफर्स हमको दोनों को बराबर नहीं आए। उसके अलावा जब किसी भी जगह पर हमें बातचीत करने जाना होता है, मुझे अपना इंटरव्यू देना है फॉर एग्जाम्पल, तो इंटरप्रेटर को साथ में होना होता है, कहीं पर भी हमें आगे जाना है, तो गवर्नमेंट को इस चीज का खर्चा उठाना चाहिए। अभी जो एक नया एक्ट है हमारा, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसमें इंटरप्रेटर्स डेफ को प्रोवाइड होना ही चाहिए हर जगह पर, हर डेफ कम्युनिटी में इंटरप्रेटर्स को गवर्नमेंट को पे करना चाहिए, तो ये एक बेटर ऑप्शन होगा, ये हमारा एक चैलेंज कम करेगा। जी जी, जैसे कि अभी आपने बात की है कि थोड़े से एक्सपेक्टेशन जो गवर्नमेंट से है और सोसाइटी से है, तो हम जानना चाहेंगे कि इनके क्या क्या एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट और सोसाइटी से। मैं चाहती हूँ कि अच्छे से अच्छा जॉब डेफ को मिले, हर प्रकार के दिव्यांग को मिले, और एजुकेशन में गवर्नमेंट हर किस्म को, जैसे आज हम देखते हैं कि बेगर्स हैं, भिखारी हैं, जो बहुत छोटे बच्चे जो हैं वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट उस चीज पे ध्यान दे कि एजुकेशन जो है वो कहीं पर भी किसी का छूट ना जाए। एजुकेशन, गवर्नमेंट एजुकेशन पे बहुत ध्यान दे, उस पर पैसा खर्च करे। मैं चाहती हूँ कि ये जरूर पूरा हो, कि एजुकेशन हर एक व्यक्ति को मिले। जी देशना, इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करी आपने, आपको परिवार का, पेरेंट्स का, टीचर्स का किस तरह से सपोर्ट मिला, वो आपके लिए कितना इजी था और कितना फायदेमंद रहा? जी जी, मुखबधिर संगठन इंदौर में जब मैं आई, तो वहां पर डांस में, पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, इंटरनेशनल एक्टिविटीज में, हर चीज में मौके मिले। वहां पे टीचर्स जो है वो कभी भी ऐसे नहीं थे कि नहीं, जो बोला है बस वही करो और आप एक जगह बैठ जाओ। आप में क्या रुचि है, आप किस चीज में रुचि रखते हैं, उसके लिए पेरेंट्स से बात करी, पेरेंट्स को कन्विंस किया, पेरेंट्स को सब चीज के बारे में बताया, फिर पेरेंट्स सपोर्टिव रहे कि ठीक है इसमें कहाँ आपको खर्चा आ रहा है, हम करेंगे। तो मैं बहुत लकी हूँ कि फैमिली मेरे लिए सबसे अहम है, सबसे पहले है, और फैमिली के बाद में मेरे टीचर्स जो हैं, मेरी संस्था जो है उन्होंने बहुत मदद करी, फिर मोनिका है। अब मोनिका हर चीज में, अगर कहीं पर भी मुझे कुछ लगता है तो फैमिली अगर बाहर भी है तो इंदौर में मोनिका है मेरे साथ में, स्कूल है, तो ये सारे दरवाजे मेरे लिए खुले हैं, ये सपोर्ट खुला है, तो ही मैं आज आपके सामने हूँ और ये मेरे लिए बहुत बेहतर साबित हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि देशना बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड पर्सनालिटी है और ये एक बहुत ही अच्छी आइडल हम सबके लिए भी है, और जो डेफ बच्चे, जो स्पेशल चाइल्ड इन्हें देख रहे हैं, उनके लिए इनका क्या मैसेज है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी कि मैं एक विनर रह चुकी हूँ, और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, मेरे अकेले की बात नहीं है, मैं पूरी डेफ कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर एक बच्चा जो डेफ है, जो मेरे जैसा है, वो कहीं पर भी किसी बात पे शर्माए नहीं, वो किसी भी चीज में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर स्पोर्ट्स में, कल्चरल एक्टिविटीज में, हर चीज में आगे बढ़े, पर एजुकेशन को हमेशा, क्योंकि एजुकेशन ही है जो आपको हायर जॉब्स तक लेके जाएगी, आपके प्रॉब्लम्स लाइफ को सॉल्व करेगी, तो हर चीज जो है वो आपके अच्छे जॉब और अच्छी अर्निंग से जुड़ी हुई है। तो मैं बस चाहती हूँ कि हर फील्ड में जो भी बच्चा जिस चीज में इंटरेस्ट रखता है, जो मेरा दोस्त जिस चीज में इंटरेस्ट रखता है, वो एमपी से है, बिहार से है, अलग अलग शहरों से है, वो इतनी दूर से मैंने देखा है कि वो इंदौर में या किसी ऐसी संस्था में आते हैं जो
हर जगह नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि हर जगह अच्छे टेफ स्कूल्स खुलें ताकि पेरेंट्स को अपने बच्चों को इतना दूर न भेजना पड़े पढ़ाई के लिए, क्योंकि आस पड़ोस में या उस एरिया में, उस जिले में या उस स्टेट में, उस शहर में अगर